हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे रिसेंटली लिस्टेड कंपनी के बारे में जो कि मई में लिस्ट हुई थी। और ये इनका इशू भी बहुत अच्छा सा ओवर सब्सक्राइब हुआ था और ये शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद में। और बाद में ये शेयर अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है। ये कंपनी स्टील पाइप्स एंड एक्सेसरीज बनाने का काम करती है और इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, MP सब जगह फैले हुए हैं। और ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी साउंड है। इसका आज का क्लोजिंग था 190 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 250 रुपीज़। इसका PE है ओनली 15 का एंड EPS है 19 का, जो कि काफ़ी अच्छा है लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 190 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.80। इस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है 306 रुपीज़, हमें मिल रहा है 190 रुपीज़ में। ग्राहम नंबर है 150 रुपीज़, हमें मिल रहा है 190 रुपीज़ में। प्रोमोटर होल्डिंग है 66%, FII का होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग 8% एंड DII का होल्डिंग है 6%। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, तो इसका मार्च 21 में प्रॉफिट था 6 करोड़ 76 लाख रुपीज़, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 9 करोड़ 32 लाख रुपीज़ एंड मार्च 22 में प्रॉफिट आया है 9 करोड़ 77 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। और फ्रेंड्स, कंपनी फंडामेंटली साउंड है। कंपनी का नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी से बाय कर सकते हैं। मार्केट चलेगा तो आपको ये शेयर 250 से 300 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करके आप अपना डिसीजन लीजिए बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।